काफ़ी लोग, आप लोग मेहनत कर रहे हो लेकिन आपका वॉइस टाइम इंक्रीज नहीं हो पा रहा है और आप लोग डीमोटिवेट होते जा रहे हो। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप वॉइस टाइम किस प्रकार से बढ़ा सकते हो जिससे कि आपका वॉइस टाइम भी बढ़ेगा और आपका चैनल मोनिटाइज होने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी टाइम पास के और इस वीडियो को छोटा ही रखेंगे, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे आपको इसके वीडियोज़ मिल जाते हैं, बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ मिल जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बेकार ट्रिक्स बताते हैं और बस अपना व्यूज़ गेन करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको आज एक रियल तरीका बताता हूँ जिससे कि आपका वॉच टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इतनी सारी अपनी खुद की आईडीज़ बनाई हुई पड़ी हैं। आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइव प्रूफ के साथ में, आप लोग देखिए कि आप देखेंगे तो मेरी इतनी सारी आईडीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है। मैं यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर, मैं रियल बता रहा हूँ कि इतनी सारी मेरी आईडीज़ हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं अपनी इस आईडी में आया हूँ, सबसे पहले इस आईडी में आया हूँ तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वॉइस टाइम किस प्रकार से बढ़ाए। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई भी वीडियो अपलोड कर दिया है, वीडियो अपलोड करने के बाद आप देखेंगे वॉइस टाइम कैसे बढ़ाए, तो यहाँ पर मेरा वीडियो शो हो रहा है। क्यों हो रहा है शो, क्योंकि यहाँ पर मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर वॉइस ऑन करता हूँ, ऑफ़ करता हूँ, अपने वीडियो पर क्लिक करता हूँ। वीडियो पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर, अगर आपको मोनेटाइज है तो ऐड आएगा, वरना नहीं आएगा तो आपको सिंपली क्या करना, मैं इसको ऐड को हटा देता हूँ। ऐड को हटाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी मेरा वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर करना है और डाटा एडवांस में जाकर आपको एक्सटर्नल कैपी करना है, फिर सेटिंग पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्ले लिस्ट यहाँ पर। ठीक है, आपको सिंपली कम वाले ऑप्शन पर कर देना। कम पर करने के बाद में आप देखेंगे आपका वीडियो का जो बहुत ज़्यादा स्लोली चलेगा, इससे क्या होगा कि आपका जो वॉच टाइम होगा वो डबल ट्रिपल गुना काउंट होगा, क्योंकि स्लो चलेगा तो ज़्यादा वॉच टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, इसको क्या करना, सिंपली आपको पूरा वीडियो को वॉच कर लेना, वॉच करने के बाद में लाइक करना, लेकिन कमेंट आपको नहीं करना। ठीक है, फिर मैं यहाँ से बाहर आना है, बाहर आने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, इसी आईडी में जो ये आपकी आईडी है ना, इसी में जाना है इकोगनिक मोड में, इकोगनिक मोड में जाना, फिर यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको लिखना है वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वॉच टाइम कैसे बढ़ाए। यहाँ पर आया, यहाँ पर आएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर अपन का अभी वीडियो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सजेशन में नहीं आ रहा, मेरा वीडियो रैंक नहीं कर रही इसलिए नहीं आ रहा, लेकिन रैंक करे ना करे लेकिन अपना वीडियो उस पर वॉच टाइम तो जरूर बढ़ेगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो सिंपली आपको क्या करना, यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, सर्च फिल्टर पर करना, एनी टाइम पर टुडे कर लेना। टुडे करता हूँ तो आप देखेंगे कि आज जिसने भी वीडियोस अपलोड किया उन सब के वीडियोस यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएंगे, जिनकी रैंक कर रही है उनकी पहले आएगी, जिनकी रैंक नहीं कर रही उनकी नहीं आएगी। जैसे कि मेरी वीडियो भी रैंक नहीं कर रही है तो मेरी वीडियो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन अभी यहाँ पर आ रही है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करते हैं, इकोगनिक मोड पर कौन करते हैं, सिंपली आपको वापस से वही ट्रिक को अप्लाई करना जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे एक चमल स्पी पर हैं, प्लेबैक पर कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे। इस वीडियो को आपको सिंपली पूरा वीडियो को वॉच करना है, वॉच करने के बाद में आपको फिर से वही ट्रिक अप्लाई करनी है। तो इकोगनिक मोड को ऑफ करेंगे, सेकंड आईडी में जाना है, सेकंड आईडी में जाने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, वही ट्रिक्स अप्लाई करने जो मैंने आपको बताई है। और अगर आपके पास 5 से 6 मोबाइल हो या 2 से 3 मोबाइल हो तो 2-3 मोबाइल के अंदर बहुत सारी आप आईडीज़ बना लीजिए और एक साथ ऐसे ट्रिक पर वर्क कीजिए, तो आपका बहुत ज़्यादा इंप्रेशन जाएगा और बहुत ज़्यादा वॉइस टाइम गेन होगा। आप लोगों को ट्रिक अप्लाई करके देखना, आपका वॉइस जो मोनेटाइज होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतनी गारंटी है मेरी, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही कर करके अपना वॉइस टाइम को कम्प्लीट किया था और काफ़ी मल्टी ब्राउजर्स का भी यूज किया और इस ट्रिक से भी अप्लाई करके मैंने बहुत सारा वॉइस टाइम को गेन किया। तो मोनेटाइज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मेरा खुद का चैनल मोनेटाइज, आप लोगों को पता है मेरा चैनल मोनेटाइज ऑलरेडी हुआ पड़ा है, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, मैंने खुद अपने चैनल को मोनेटाइज किया। तो इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इस ट्रिक से आपको। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता है मैजिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।